शोभापुर से विधिक साक्षरता शिविर एवं आनंद उत्सव शोभापुर बालक उच्चतर विद्यालय में आयोजित शोभापुर बालक उच्चतर विद्यालय में तहसील विधिक सेवा समिति सुहागपुर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर एवं साथ ही आनंद उत्सव का आयोजन हुआ। सुहागपुर मजिस्ट्रेट कुमारी मधुलिका मुले सिविल जज सीनियर डिविजन सुहागपुर द्वारा छात्र छात्राओं को विधिक संबंधित जानकारी दी गई। सरल भाषा में कानून नियमों को छात्र छात्राओं को बताया गया। छात्राओं ने भी मजिस्ट्रेट कुमारी मधुलिका मुले से विधिक संबंधित सवाल पूछे। छात्र एवं छात्राओं द्वारा पूछे गए सवालों को सरल भाषा में विस्तार से समझाया गया, इसके साथ ही बताया गया। साथ ही आनंद उत्सव भी मनाया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मजिस्ट्रेट कुमारी मधुलिका मुले द्वारा पुरस्कार भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में कुमारी मधुलिका मुले सिविल जज सीनियर डिविजन सुहागपुर, ब्रजेश तिवारी पंचायत इंस्पेक्टर शोभापुर, सरपंच माया शैलेन्द्र शाह, ग्राम पंचायत सचिव राज राजेंद्र कुमार पुविया, बालक शाला एवं कन्या शाला के प्रचार स्कूल के समस्त शिक्षक उपस्थित रहे। करना हमें सिखाता है, हमें किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पे, उसकी जाति के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे वो क्या क्या अधिकार हैं, उसी तरह से हमारे मूल कर्तव्य भी बताए हैं। हम भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हमको अपने देश के लिए क्या क्या कर्तव्य करने चाहिए वो भी संविधान में बताए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप लोग एक जैसे रामायण, गीता, ये सब आपने धर्म ग्रंथों के नाम बहुत सुने होंगे, सबको पता होगा कि रामायण क्या है। खबर भारत वर्ष के लिए शोभापुर सुहागपुर से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।